मोदी सरकार से यही अपील है कि वो गरीब जनता को सुने और देखें और सोचें कि इनका पैसा किस हिसाब से जल्दी वापस। मैं जी जम्मू कश्मीर से तरनजीत कौर। आप किस रूप में पीड़ित है और कब से पीड़ित है और आपके पर्सनली कितने पैसे कटे हुए हैं? मैं सर 2014 से जब से कंपनी बंद है तब से हम लोग पीड़ित हैं, सभी तभी के पीड़ित हैं। सरकार पैसा वापस नहीं दे रही। आपके कितने पैसे फंसे हुए हैं? मेरी 65 लाख की लाइबिलिटी है जो मेरी पर्सनल है, ये लोग देने का नाम नहीं ले रहे। आपका रोजगार भी चला गया? रोजगार चला गया सर, बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं। आप देखो कहाँ तक खा रहे हैं। आगे क्या करने का इरादा है? क्या करने का इरादा? पैसा हमारा वापस करें सरकार को, हम अपने घरों को लूटें। अगर ये नहीं करते पैसा हमारा वापस तो हम अपनी राजनीतिक पार्टी लाएंगे, डटकर लड़ेंगे इनसे। आप कुछ कहना चाहेंगे बहन जी? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस आओ, क्योंकि जो हमारे कस्टमर हैं वो हमें चैन से जीने नहीं देते। एक तो हमारा रोजगार चला गया है, तो एक हमारे लोग बहुत तंग करते हैं। हम मोदी जी से यही कहेंगे कि हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस करो। रोजगार चला गया और फंड वापस मिला नहीं, अब मोदी से आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहेंगे हमारा पैसा जो जल्द से जल्द। मोदी सरकार से यही अपील है कि वो गरीब जनता को सुने और देखें और सोचे कि इनका पैसा किस हिसाब से जल्दी वापस किया। आप कहाँ से आई हैं और कितने दिन? उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आई हूँ। उत्तर प्रदेश के कौन से जगह से? कितने दिनों से ऐसा धरना पर बैठी है? 15 दिन से। क्या उम्मीद है ऐसे धरने पर बैठने से आपके पैसे? जी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस मिलेगा और मोदी सरकार हमारा पैसा देना पड़ेगा। हम अपनी मेहनत का पैसा उनसे मांगे। आप लोग किस मुद्दे को लेकर यहाँ से धरने पर बैठे हुए थे? हम लोग जो है, जो भारत सरकार ने जो कंपनियां रजिस्ट्रेट की थी, जो भारत सरकार ने बंद कर दी, उसके लिए आज जंतर मंतर पे 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए पीड़ित है। सरकार ने कितने पैसे कटे हैं, कब से कटे हैं और कितने लोगों के कटे हैं? 85 लाख लोगों का पैसा उस कंपनी में। काफी लोगों का है, जो कम से कम मेरे ख्याल से 2 लाख कंपनियां जो रजिस्टर्ड थी बंद कर दी गई, और जिसमें जो है सबसे बड़ी पल्स कंपनी आती है जो बंद कर दी गई है, जिसका जो है निवेशक 6 करोड़ है और एजेंट जो है 70 लाख है। टोटल पैसे कितने हैं? हमारे 49,000 करोड़ है और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 185,000 करोड़ की है, जो कि गवर्नमेंट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया 2 फरवरी 2016 को। आप लोगों को कब पता चला कि आप लोग आर्थिक धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं? हमें तो पता जब चला, जब हमारी कंपनी को बंद कर दिया गया। 22 लाख ये बंद कब हुआ था? 22 अगस्त 2014 को। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद में जो है गवर्नमेंट से मुकदमा लड़ा, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो है आदेश हो गया 2 फरवरी 2016 को कि इनकी जमीन बेचो, पैसा दे दो। आज तक नहीं मिला। आरम नोडा कमेटी बनी, उसके बाद में आज तक कोई पैसा नहीं मिला हमें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किसने नहीं किया? गवर्नमेंट ने। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आपके सामने बैठे भूख हड़ताल पे। इस तरह से भूख हड़ताल पर भरने से आपके करोड़ों रुपए वापस आने का उम्मीद है क्या? तो यही आस लगाए बैठे हैं कि अगर गवर्नमेंट घूंगी बहरी अगर वो सुन लेगी तो हो सकता है हमारे पैसे वापस कर दे। लोगों को पकोड़ा खिलाने और रोजगार दिलाने वाले गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी क्या? ये पकोड़ा और चाय नहीं बनाती थे इसने, उल्लू बना के लोगों को पैसे की ठग विद्याई करी और हमारे गरीबों को इन्होंने लूटा। ये सरकार इतनी निकम्मी है जो गरीब लोगों की छाती पर बैठी हुई है। इन्होंने झूठे सपने दिखा करके 6 करोड़ सब लोगों से वोट ले लिए और आज
तक किसी का कोई काम नहीं किया। आप लोग भारत के दिल दिल्ली में संसद मार्ग पर धरने पर बैठे हैं, इससे आपकी समस्या सोल्व होती है क्या? देखो जी, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात उठाने का हर व्यक्ति को अधिकार है, इसलिए हमारे पूरे भारत वर्ष के सांसद इस रोड से गुजरते हैं, इसलिए जंतर मंतर जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं कि शायद कोई हमारी सुन ले, मगर आज तक कोई 16 दिन में हमारे पास तक नहीं आया। जो आपने सुनवाई का तरीका अपनाया, इससे क्या आपका करोड़ों रुपए वापस आने वाले हैं? हमने सोचा था, मगर अब ऐसा लगता है कि ये सरकार किसी का पैसा देने वाली नहीं है, इनको 2019 में उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। केंद्र सरकार चोर है।